नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ओवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर कसा तंज, बोले दोनों को हरे रंग से नफरत है, इस्लाम के निशानी समझकर इसे मिटा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी चीफ मंदी संजय के बेटे पर एफआईआर, संजय बोले लड़कों में झगड़े होते हैं, पीटने वाला बोला बदसलूकी की थी। हिमाचल में बनी 27 दवाओं के सैंपल फेल, गांबिया में हुए हादसे के बाद भरे गए थे 5 टेस्ट मीडियन फार्मा बंदी के कफ सिरप। पंजाब में एंटी इनकमेसी के कारण हारी कांग्रेस, राहुल बोले सिद्धू चन्नी विवाद जैसा कुछ नहीं था। शहबाज शरीफ के समर्थन में आए फारूक अब्दुल्ला, बोले पाक से नहीं करेंगे बात, नहीं हो पाएगा कश्मीर समस्या का हल। आरएसएस का बड़ा दावा, कहा आरएसएस के आलोचकों नहीं थे नेताजी, उन्हें संघ की विचारधारा से नहीं थी दिक्कत। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले चुनाव आता है तो बीजेपी सेना पर हमला करती है, इस बार किस पर करेगी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप। बंगाल के रानीगंज का जोशीमठ जैसा हाल, सीएम ममता बनर्जी ने कहा यहां भी जमीन धंसने का खतरा। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में 19 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या, कॉलेज छात्र ने दिया वारदात को अंजाम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी की भाजपा नेताओं को नसीहत, कहा मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रहेंगे नड्डा, जून 2024 तक बढ़ा कार्यकाल, मोदी बोले चुनाव में 400 दिन बाकी। केरल के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, दूसरे धर्म के कलाकार, परिसर के बाहर बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम। तेईस और घरों में दरारें लेकिन पानी का रिसाव कम, जोशीमठ में 237 परिवार हटाए, बद्रीनाथ धाम का खजाना भी हो सकता है शिफ्ट। बीएसएफ को पंजाब के गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव से मिले चीनी हथियार, पाकिस्तान ड्रोन से गिराए गए थे। गाजियाबाद में बीजेपी नेता संयम कोहली को पद से हटाए, रेस्टोरेंट में बार खुलवाकर रशियन लड़कियों से करवाता था डांस। बरेली में किसान की गोली मारकर हत्या, गन्ना डालने जाते समय साइड से बाइक निकालने पर हुआ था विवाद। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेंदुए का कार्ड पर अटैक, गाड़ी से टकराकर हवा में उछला, रेलिंग पर गिरते ही मौत। रेलवे स्टेशन पर सब इंस्पेक्टर पर बंदरों का हमला, बचने को सब इंस्पेक्टर ने लगाई दौड़।
पद्मावत एक्सप्रेस में पीटने वाला आसिम हुसैन गिरफ्तार। लड़की को बोला बेटी कहकर पास बिठाया, फिर करने लगा था अश्लील हरकतें। झांसी में मां ने 2 महीने की बेटी को मार डाला, पहले कहा बिल्ली उठा ली गई, पकड़े जाने पर बोली बेटी नहीं चाहती थी। माघ मेले में धर्म परिवर्तन की साजिश, हिंदू मुस्लिम धर्म से जुड़ी 204 पुस्तकों के साथ 3 अरेस्ट, अबू धाबी से है कनेक्शन। आगरा से 3 जालसाज गिरफ्तार, 2 लाख रुपए में एसएससी में पास कराने का ठेका लेते थे, सालवर यूपी पुलिस में हो चुका है सेलेक्ट। दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज में लगी आग, दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे थे, ड्राइवर ने धुआं उड़ता देख कार सवारों को बचाया। कानपुर में ठंड से 19 साल का रिकॉर्ड टूटा, यूपी के 15 जिलों में रेड अलर्ट, 22 जनवरी से होगी बारिश। रायबरेली में आरोपी ने फंदा लगाकर दी जान, 376 के मुकदमे में वारंट कटने पर आत्महत्या की, साड़ी से लटका मिला शव। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। मेरठ में युवती से गैंगरेप की कोशिश, आरोपी की फ्रेंड ने बनाया वीडियो, अब फर्जी मैरिज ब्यूरो में नौकरी करने का बना रहे थे दबाव। फतेहपुर में 14 साल की लड़की से रेप, पड़ोसी युवक ने की दरिंदगी, पुलिस में शिकायत करने पर घर आकर धमकाया। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण के नाम पर ठगी, जमीन विवाद निपटाने के लिए ऐठे 1.50 लाख एसपी से कार्रवाई की मांग की। फिरोजाबाद में कोचिंग से आ रही छात्राओं से छेड़छाड़, परिजनों ने 2 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मुजफ्फरनगर में एनएचएम एंट्रेंस एग्जाम से चुके भर्ती, समय से पहले पहुंचने के बावजूद सेंटर में नहीं मिला प्रवेश। सिद्धार्थनगर में प्रधान संगठन का प्रदर्शन जारी, प्रधान संघ सैकड़ों ग्रामीणों ने की नारेबाजी। मऊ में शिक्षक के साथ जमकर मारपीट, बाइक सवार बदमाशों ने पीटा, कोचिंग से घर जाते समय हुई वारदात। चंदौली के नरेना में ठप पड़ी पोस्टाहार निर्माण इकाई, बेरोजगार हुई समूह की महिलाएं, 2 ब्लॉकों के 462 केंद्रों पर वितरण प्रभावित। अयोध्या में 2 पक्षों में मारपीट और तलवारबाजी, विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से हो चुके हैं घायल। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर सराफा कारोबारी से की थी लूटपाट। बहराइच में 26 जनवरी पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम, बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने पहुंचे एसपी। जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया, जुलाई 2016 का है पूरा मामला। सीतापुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की टक्कर, 1 चालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, खाई में पलटी गन्ना लदी ट्रॉलियां।
देवरिया में पुरानी जमीनी रंजिश में चली गोली, एक घायल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में डीएम संजय कुमार सिंह के आदेश में हुए बेअसर अलाव की लकड़ी में भी जमकर खेल रही है नगर पालिका परिषद। हमीरपुर में एसपी ने 4 इंस्पेक्टर 8 दारोगाओं का किया स्थानांतरण। श्री प्रकाश यादव प्रभारी चुनाव सेल को बनाया गया सिलोसर थाना का इंचार्ज। कानपुर में पुराने रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, लाठी डंडों से पीटते हुए दबंगों का वीडियो वायरल। कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीपलकोटी में बसेगा मिनी जोशीमठ, राज्य सरकार ने 130 परिवारों को अस्थायी तौर पर पुनर्वासित करने का लिया निर्णय। उत्तराखंड में बेटे की शादी का कार्ड बांटने जा रहे व्यापारी की कार से 600 मीटर गहरी खाई में गिरी 3 दोस्तों की मौत। हरिद्वार में कारोबारी से 40 लाख की धोखाधड़ी में महंत सहित दो गिरफ्तार, जमीन बेचने के नाम पर लगाई थी चपत। उत्तराखंड के टिहरी में भीषण हादसा, आगरखाल और कुसरेला मार्ग के पास आल्टो दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। रुद्रपुर में रोडरेज जीप के सामने बाइक सवार आया तो रिवॉल्वर से कर दिया फायर, पीड़िता का दावा बगल से निकली गोली। जोशीमठ के छात्रों को बोर्ड परीक्षा केंद्र चुनने की छूट, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने रावत अधिकारियों को दिए निर्देश। ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में प्रशिक्षु फार्मासिस्ट और ठेका सफाई कर्मी में विवाद, बुलानी पड़ी पुलिस। उत्तराखंड में जंगल में छिपा कर रखी 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब की नष्ट पुलिस ने ड्रोन की मदद से ढूंढी। उत्तराखंड के जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को फिर से जिंदा करने की सिफारिश, कैबिनेट में आ सकता है मामला। भूदासाओं ने बद्रीनाथ धाम के करोड़ों के खजाने को लेकर बढ़ाई चिंता, शिफ्ट करने की हो रही है तैयारी। जोशीमठ में भू धसाव की चपेट में आए बैंक, आरबीआई ने कारण प्रयाग शिफ्ट की 125 करोड़ की करेंसी। हरिद्वार में नाले में मिला महिला का शव, पीठ पर रखा हुआ था रेत से भरा कट्टा, हत्या की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में 25 से 27 मई को होगा G20 समूह का पहला कार्यक्रम, सीएम धामी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। उत्तराखंड विजिलेंस जांच के घेरे में आए निलंबित पूर्व विधानसभा सचिव सिंघल, भ्रष्टाचार का लगा आरोप। उत्तराखंड में भर्तियों में घपले के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका पाकिस्तान से भी छिन सकता है गैर नाटो सहयोगी का दर्जा, प्रतिनिधि सभा में बिल पेश।
कर चोरी के आरोपों से मुक्त हुई नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया रसा, फैसले को बताया न्याय की जीत। खालिस्तानियों की घिनौरी हरकत, रैली निकालकर मनाया दिवंगत इंदिरा गांधी की मौत का जश्न। तो 2024 के अमेरिकी चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार, दक्षिण कैरोलिना से 28 जनवरी को करेंगे अभियान की शुरुआत। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रही फ्लाइट ने जारी किया अलर्ट, सिडनी एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षित लैंडिंग। ग्रेटा थनबर्ग को जर्मन पुलिस ने हिरासत में लिया, क्लाइमेट एक्टिविस्ट कोयला खदान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। पाकिस्तान साउथ एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 3 हफ्ते का खर्च बचा। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमलों से भारतीय समुदाय चिंतित, विष्णु मंदिर में 5 दिन में दूसरी बार बना निशाना। ब्रिटिश पुलिस अफसर ने 24 महिलाओं से रेप किया, 12 को स्लेव बनाया, इन्हें बिना कपड़े पहनाए घर साफ कराता था। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन, 118 की उम्र में फ्रांसीसी नन ने ली अंतिम सांस। मारुति ने वापस बुलाए 17,362 कारें, 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 2023 के बीच हुई थी मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान में 60 रुपए किलो वाला आटा 155 में मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 3 हफ्ते का खर्च बचा है। इनकम टैक्स लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 लॉन्च, 3 लाख रुपए में मिलेगी 648 सीसी वाली दमदार बाइक। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 1 फरवरी को होगा लॉन्च, फ्लैगशिप फोन में मिलेगा 200 MP कैमरा। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। बजट में पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद, इंश्योरेंस पॉलिसी के अलग बकेट बना सकती है सरकार। PwC के सर्वे में भारतीय सीईओ का बयान, कहा भारत में नहीं होगी छटनी या वेतन कटौती। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े पैमाने पर छटनी, 11,000 कर्मचारियों को आज बर्खास्त करेगी कंपनी। बजट में 50,000 करोड़ तक का विनिवेश लक्ष्य रख सकती है सरकार, GDP का बढ़ सकता है आकार। पाकिस्तान नहीं आना चाहते इंटरनेशनल क्रिकेट कोच, पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा कोच PCB से डरते हैं। फुटबॉल मैच में अचानक पावर कट, छाया अंधेरा, अडामा क्रॉस देने की तैयारी में थे तभी गई बिजली।
दो हफ्तों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं ऋषभ पंत, मैदान पर जल्द वापसी की उम्मीद बढ़ी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में साउथ कोरिया के खिलाफ मैदान में 11 की जगह थे 12 जापानी खिलाड़ी, अब एफआईएच करेगा जांच। सीएसके के पूर्व खिलाड़ियों के दम पर जीती मुंबई इंडियंस की टीम, मोइन अली की टीम 3 मैच के बाद भी नहीं खोल पाई खाता। आईसीसी की गलती से भारत 2.5 घंटे नंबर 1 रहा टेस्ट रैंकिंग में, दोपहर 1:30 बजे टीम इंडिया टॉप पर, शाम 4 बजे दूसरे नंबर पर। मोहम्मद सिराज ने डेवलप किया एंडरसन जैसा ब्रह्मास्त्र, बल्लेबाज भाप नहीं पाते कि गेंद बाहर जाएगी या अंदर आएगी। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर, पीठ में लगी चोट, एनसीए से कर रहे रिहैब, रजत पाटीदार टीम इंडिया में शामिल। सरफराज खान ने फिर लगाया शतक, रणजी सीजन की तीसरी सेंचुरी, भारतीय टेस्ट टीम में नहीं मिला था मौका। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पिछले साल कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण नहीं उतर सके थे। नोरा फतेही का ट्रेडिशनल अवतार फिल्म की स्क्रीनिंग में व्हाइट सूट में आई नजर, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। वेडिंग रूमर्स के बीच एक बार फिर साथ दिखे सिद्धार्थ कियारा, मिशन मजनू के स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए स्पॉट। पठान के मेकर्स ने अपनाई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, शाहरुख दीपिका पठान की रिलीज से पहले नहीं देंगे इंटरव्यू। पत्नी सुनीता के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे गोविंदा, कार्तिक आर्यन से लेकर विद्युत जामवाल तक स्लिप्स हुए स्पॉट। प्रियंका चोपड़ा को पसंद आए पाकिस्तानी फिल्म जायलैंड, मेकर्स और टीम को दी बधाई, बोली ये फिल्म जरूर देखिए। पठान के साथ दिखाया जाएगा टीजीएमएम का ट्रेलर, पहली बार बड़े पर्दे पर रोमांस करेंगे श्रद्धा रणबीर। उर्वशी रौतेला ने बेशर्म रंग गाने पर शेयर किया वीडियो, फैंस बोले अब किस क्रिकेटर के पीछे जानने वाली है। योगा क्लास के बाहर दिखे मलाइका अरोड़ा फिटनेस देख यूजर्स ने कहा ये 49 साल की लगती ही नहीं है। ऐश्वर्या राय को सरकारी नोटिस, टैक्स न भरने की वजह से मुश्किलों में फंसे, 776 करोड़ रुपए की ऐश्वर्या की नेटवर्थ है। शुरू हुई केएल राहुल आथिया की शादी की तैयारियां, बिल्डिंग के बाहर हो रहे सजावट, 23 जनवरी को लेंगे 7 फेरे। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।